हेलो गाइस, आ गए आज हम फिर से कावासाकी पटना में। तो आज हमारे पास वेलकम एस है। तो ये इसमें आपको 650 cc का इंजन मिलता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ राइडर राव जी। तो आ गए हम फिर से नई वीडियो के साथ। तो ये हमारे पास कावासाकी वेलकम एस है, जिसमें कि आपको लिक्विड फूल फोर स्टॉक पैनल ट्विन पैनल सिलेंडर मिलता है आपको 650 cc इंजन के साथ, जो कि आपको 61 PS का पावर 7500 RPM पर प्रोड्यूस करता है। 62.4 Nm का टॉर्क आपको इसमें मिल जाता है। अगर इसका हम सीट हाइट का बात करें, इसमें आपको 705 mm का सीट हाइट मिल जाता है। अगर सीट हाइट का कंफर्टेबल का बात करें, इसमें आपको कुशन इसका हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अगर पिलियन राइडर इसमें बैठता है, इसका भी एक नॉर्मल सा पिलियन राइडर को भी एक स्टेफन मिलने वाला है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और इस अगर हम आपको इसमें राइट हैंड साइड हैंडल बार बात करते हैं, तो आपको इसमें यहाँ क्लीयरेंस स्विच मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ सेल्फ स्टार्टर के साथ मिलता है। और ये आपको इसका यहाँ मिरर है, जो कि एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पास डीप मिल जाता है, यहाँ आपको मोड चेंज वगैरह करने के लिए। ये राइट एंड लेफ्ट टर्निंग लाइट के लिए आपको हॉर्न मिल जाता है, यहाँ आपको पासिंग लाइट मिल जाता है इस साइड आपको। और इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर मिल जाते हैं, बोथ साइड आपको एडजस्टेबल लीवर है। और अगर हम इसमें आपको फ्रंट टायर का बात करें, इसमें आपको 160 mm का फ्रंट टायर मिलता है। और रियर टायर का अगर हम बात करते हैं, तो इसमें रियर टायर आपको 160 mm का रियर टायर मिलता है, और फ्रंट में आपको 120 mm का टायर मिल जाता है। और ये ट्रेवल ड्राइव चैन इसमें आपको दिया जाता है। आपको यहाँ हेलोजन लाइट्स मिल जाते हैं, टर्निंग इंडिकेटर आपको, ये ग्रैब व्हील्स है इस साइड और इस साइड, ये यहाँ ग्रैब व्हील्स है आपके। और इसका ये बैक लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम इसी वल्कन एस का अगर ब्रेक और सस्पेंशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको फ्रंट में आपको सिंगल 300 mm डिस्क मिल जाते हैं सिंगल, और क्लीपर इसमें डुअल पिस्टन का क्लीपर आपको इसमें दिया जाता है। और इसमें आपको रियर ब्रेक में 250 mm का डिस्क दिया जाता है, जो कि मैं आपको उसका डिस्क दिखा दूं आखिर। तो आपको ये रियर डिस्क है, इसमें 250 mm का डिस्क आपको रियर में दिया गया है। और इसका फ्रंट सस्पेंशन का बात करते हैं, तो ये आपको यहाँ फ्रंट सस्पेंशन जो इसका है 41 mm टेलीस्कोप सस्पेंशन, इसमें आपको फ्रंट में दिया जाता है। और आपको यहाँ ABS की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन से यहाँ रिफ्लेक्टर आपको यहाँ लगा हुआ मिलता है, आपको ABS रिंग यहाँ देखने को मिल जाती है आपको। और अगर रियर सस्पेंशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको ऑफसेट ले डाउन सिंगल शॉक आपको एडजस्टेबल प्रीलोड सस्पेंशन आपको यहाँ दिखने को मिलता है। और इसके टैंक पैड पे आपको कावासाकी की यहाँ ब्रांडिंग मिल जाती है, और आपको यहाँ पे वेलकम एस लिखा मिलता है। और अगर इसका टैंक साइज़ का बात करते हैं, तो इसमें आपको 14 लीटर का टैंक मिल जाता है। और आपको यहाँ डिजिटल प्लस और एनालॉग का कम्बिनेशन दिया गया है, डिजिटल और एनालॉग का कम्बिनेशन दिया गया है। आपको यहाँ टर्निंग लाइट इंडिकेट करेगा, एक राइट साइड का इधर है, लेफ्ट साइड का इधर है, न्यूट्रल का यहाँ आपको मिल जाता है, आपको मोड्स मिल जाते हैं, ये पासिंग का मिल जाता है। अगर हम इस बाइक का बात करें, इसका जो वेट है आपको 235 kg का आपको पूरा कर्व वेट मिलता है इसमें आपका। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 135 mm का मिलता है आपको इसमें। और व्हील बेस जो है इसमें 157 mm का आपको इसमें व्हील बेस मिलता है। तो आपको थोड़ा इधर वीडियो डार्क आ रहा होगा, क्योंकि इधर मिरर है तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको। मैं इधर से कोशिश करता हूँ थोड़ा दिखाने का। तो इसका लुक काफ़ी बेहतरीन लग रहा है अपने आप में। और यहाँ आपको सामने में हेलोजन लाइट मिल जाते हैं, इसका जो ये शेप है काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें यहाँ दिया गया। तो ओवरऑल ऑल बाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आई होप कि हम आपको इसमें वीडियो में इसके बारे में थोड़ा कुछ क्लियर कर पाए हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और कुछ जानना हो तो कमेंट ज़रूर करें, और इसी हम और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं यहाँ कावासाकी पटना में हूँ, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे बाइक्स यहाँ आए हुए हैं। काफ़ी डिमांडेबल बाइक जो रहती है वो Ninja 300 है, वो यहाँ पर अवेलेबल है, आगे बुक भी कर सकते हैं। और यहाँ आपको भाई बाकी देख रहे हैं, तो अब बताएं इसका हमारा वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।